Hello everyone, I am Kamal. Presenting this session, the Hindu newspaper analysis. It will cover all events and issues which have national and international importance for civil services and other state basis examination. Today is 25 June, so let's discuss some important editorial news. The first important news is World Bank okay $255.5 million loans for गवर्नमेंट टेक इंस्टीट्यूशंस. इंडिया में जितने भी गवर्नमेंट टेक इंस्टीट्यूशंस हैं उनके लिए, उनके बेटरमेंट के लिए वर्ल्ड बैंक ने $255.5 million का लोन अप्रूव किया है. सो लेट्स डिस्कस सम इम्पोर्टेंट हाइलाइट्स रिलेटेड टू दिस न्यूज. व्हाई इन न्यूज, द वर्ल्ड बैंक हैज अप्रूव्ड $255.5 million लोन फॉर इम्प्रूविंग द क्वालिटी ऑफ टेक्निकल एजुकेशन इन गवर्नमेंट रन इंस्टीट्यूशंस इन इंडिया. इंडिया के अंदर जितने भी गवर्नमेंट रन इंस्टीट्यूशंस हैं उनके अंदर टेक्निकल एजुकेशन की क्वालिटी को इम्प्रूव करने के लिए वर्ल्ड बैंक ने $255.5 million लोन अप्रूव किया है. Over the next 5 years, the multidisciplinary education and research improvement in technical education project will support about 275 government-run technical institutions in select state, benefiting more than 3.5 lakh students each year. ऐसा माना जा रहा है कि आने वाले 5 year में हमारे इंडिया के अंदर जितने भी technical education institute हैं उनके अंदर बेटरमेंट जो भी किया जा रहा है, चाहे वो रिसर्च से रिलेटेड है या उसमें कोई भी इम्प्रूवमेंट से रिलेटेड कोई भी एक्ट है, ऐसा माना जा रहा है कि लगभग 275 गवर्नमेंट रन टेक्निकल इंस्टीट्यूशंस को इससे हेल्प मिलने वाली है और लगभग 3.5 लाख स्टूडेंट एवरी ईयर इससे बेनिफिट होंगे. About World Bank. What is World Bank? It was created in 1944 as the International Bank for Reconstruction and Development along with the IMF. The IBRD later became the World Bank. 1944 में इस World Bank का creation किया गया था. उस time पर इसका नाम World Bank नहीं था. उस time पर इसका name जो था वो International Bank for Reconstruction and Development यानी IBRD था. Later यानी बाद में ये World Bank, इसका नाम वर्ल्ड बैंक पड़ गया. द वर्ल्ड बैंक ग्रुप इज अ यूनिक ग्लोबल पार्टनरशिप ऑफ 5 institutions वर्किंग फॉर सस्टेनेबल सॉल्यूशंस दैट रिड्यूस पॉवर्टी एंड बिल्ड शेयर्ड प्रॉस्पेरिटी इन डेवलपिंग कंट्री. वर्ल्ड बैंक एक ग्रुप है और ये जो ग्रुप है 5 institutions का यूनिक ग्लोबल पार्टनरशिप का ग्रुप है. इट मीन्स 5 institutions एक साथ मिल करके इन्होंने पार्टनरशिप किया है और इस तरह से एक यूनिक ग्रुप बना हुआ है. और ये जो ग्रुप है यानी वर्ल्ड बैंक, ये पूरे वर्ल्ड के अंदर सस्टेनेबल सॉल्यूशन प्रोवाइड कराता है, साथ में डेवलपिंग कंट्री जितना भी हैं उनके अंदर पॉवर्टी को रिड्यूस करने में हेल्प करता है. द वर्ल्ड बैंक इज वन ऑफ द यूनाइटेड नेशंस स्पेशलाइज्ड एजेंसी. यूनाइटेड नेशंस जो पूरे वर्ल्ड के लिए वर्क करती है, पूरे वर्ल्ड के लिए वर्क करने वाले इस यूनाइटेड नेशंस का एक स्पेशलाइज एजेंसी वर्ल्ड बैंक है. इट मीन्स वर्ल्ड बैंक यूनाइटेड नेशंस का ही एक एजेंसी है. मेंबर्स की अगर हम बात करें, इट हैज़ 189 मेंबर्स कंट्रीज. मेंबर कंट्री इसका 189 है. इंडिया इज ऑल्सो मेंबर कंट्री. इंडिया भी इसका एक मेंबर कंट्री है. मेजर रिपोर्ट्स जो ईयरली हम देखते हैं, रिपोर्ट्स आती हैं, कौन कौन से रिपोर्ट्स हैं जिनको वर्ल्ड बैंक के द्वारा रिलीज किया जाता है. नंबर वन ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, ये जो रिपोर्ट है वर्ल्ड बैंक के द्वारा रिलीज की जाती है. नंबर टू ह्यूमन कैपिटल इंडेक्स, ये रिपोर्ट भी वर्ल्ड बैंक के द्वारा रिलीज किया जाता है. और नंबर थ्री वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट, इसको भी वर्ल्ड बैंक रिलीज करता है. फाइव डेवलपमेंट इंस्टीट्यूशंस ऑफ वर्ल्ड बैंक, वर्ल्ड बैंक के 5 डेवलपमेंट इंस्टीट्यूशंस कौन कौन से हैं. नंबर वन इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट. नंबर टू इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन. नंबर थ्री इंटरनेशनल फाइनेंस कॉरपोरेशन. नंबर फोर मल्टीलेटरल गारंटी एजेंसी. नंबर फाइव इंटरनेशनल सेंटर फॉर द सेटलमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट डिस्प्यूट. इंडिया इज नॉट अ मेंबर ऑफ ICSID. इंडिया इंटरनेशनल सेंटर फॉर सेटलमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट डिस्प्यूट का मेंबर नहीं है. नेक्स्ट डिफरेंस बिटवीन द वर्ल्ड बैंक एंड द IMF. कई बार ये कन्फ्यूजन क्रिएट हो जाता है कि वर्ल्ड बैंक और IMF इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड में क्या डिफरेंस है. व्हाइल द वर्ल्ड बैंक प्रोवाइड सपोर्ट टू डेवलपिंग कंट्रीज, वर्ल्ड बैंक
ओनली डेवलपिंग कंट्रीज को सपोर्ट प्रोवाइड कराता है। IMF एम टू स्टेबलाइज द इंटरनेशनल मॉनिटरी सिस्टम एंड मॉनिटर द वर्ल्ड्स करेंसीज। IMF का वर्क होता है कि पूरा वर्ल्ड के अंदर जो करेंसी का जो जो भी चल रहा है करेंसी के अंदर अप एंड डाउन, उसको मॉनिटर करता है। इट मीन्स ये मॉनिटरी सिस्टम को हैंडल करता है। इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड IMF जो है ये इंटरनेशनल लेवल पर मॉनिटरी सिस्टम को हैंडल करता है, जबकि वर्ल्ड बैंक डेवलपिंग कंट्रीज को हेल्प प्रोवाइड कराता है। जिस तरह से इंडिया के लिए अभी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में ये लोन अप्रूव किया है इंडिया के लिए, ठीक है ना, IMF का वर्क सिर्फ मॉनिटरी सिस्टम को हैंडल करना होता है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज इज डज चाइना पाक न्यूक्लियर डील फ्लॉड ग्लोबल रूल्स। ये जो एडिटोरियल है, इस एडिटोरियल में डिस्कस करेंगे कि करंट में जो चाइना और पाकिस्तान के बीच में न्यूक्लियर डीलिंग हुआ है, क्या उस डीलिंग ने ग्लोबल रूल्स का वायलेशन किया है। सो लेट्स डिस्कस सम इम्पोर्टेंट हाईलाइट्स रिलेटेड टू दिस न्यूज। What is issue? On June 20, China and Pakistan signed an agreement for a 1200 megawatt nuclear power plant in the Chashma nuclear complex in Pakistan. June 20, यानी 5 days पहले China और Pakistan ने एक agreement sign किया है, और ये agreement sign जो किया गया है 1200 megawatt nuclear power plant को लगाने से रिलेटेड है। और ये न्यूक्लियर पावर प्लांट जो लगाया जाएगा पाकिस्तान के अंदर चश्मा इलाके में, इसको इस्टेब्लिश किया जाएगा। द डील रिपोर्टेड टू बी वर्थ $4.8 बिलियन कम्स एमिड पाकिस्तान फेसिंग अ ड्यूअल एनर्जी एंड इकोनॉमिक क्राइसिस। ये जो डीलिंग है ये ऐसे टाइम पर किया गया है जिस टाइम पर पाकिस्तान एनर्जी क्राइसिस फेस कर रहा है और इकोनॉमिक क्राइसिस फेस कर रहा है। तो ये इस टाइम में इसके लिए प्रॉफिटेबल है या लॉसफुल है, ये इवेल्यूएशन इसमें किया जाएगा। द लेटेस्ट न्यूक्लियर डील बिटवीन चाइना एंड पाकिस्तान हैज इम्प्लीकेशन नॉट ओनली फॉर द क्राइसिस इट कंट्री बट ऑल्सो फॉर द ग्लोबल गवर्नेंस ऑफ न्यूक्लियर कॉमर्स विद बीजिंग प्रोसीडिंग विद द रिसेंट डील विदाउट सीकिंग नेसेसरी वेवर्स फ्रॉम द न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप NSG। लेटेस्ट न्यूक्लियर डील जो हुआ है चाइना और पाकिस्तान के बीच में, इसका बहुत बड़ा इम्प्लीकेशंस है। ये उन कंट्रीज के लिए भी इम्प्लीकेशन है जहां पर क्राइसिस बहुत ज़्यादा है एनर्जी का, और ये न्यूक्लियर कॉमर्स के गवर्नेंस, उसका जो ग्लोबल गवर्नेंस है उसके लिए भी इम्प्लीकेशन रखता है। इट मीन्स न्यूक्लियर कॉमर्स का ग्लोबल गवर्नेंस के लिए जो रूल बनाए गए हैं, क्या उन रूल के अकॉर्डिंग ये एग्रीमेंट हुआ है या उसका वायलेशन किया गया है। बीजिंग ने जिस तरह से पाकिस्तान में जा करके अपना इन्वेस्टमेंट बढ़ाया है, ये कहीं ना कहीं उसको अपने अंडर में करने का प्लानिंग है। बट यहाँ पर न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप्स के द्वारा कुछ परमिशंस लेनी होती हैं अगर हमें न्यूक्लियर का कॉमर्शलाइजेशन करना है। क्या उस ग्रुप यानी NSG से इसका अप्रूवल लिया गया है, इससे रिलेटेड हम डिस्कस करेंगे। व्हाट इज द लेटेस्ट डील, अभी जो डील हुआ है इस डील के क्या क्या प्रोविजन हैं। पाकिस्तान प्राइम मिनिस्टर ऑन जून 20 विटनेस द साइनिंग ऑफ द अग्रीमेंट फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ अ 1200 मेगावाट न्यूक्लियर प्लांट। पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर ने अभी एक एग्रीमेंट साइन किया है, और ये एग्रीमेंट जो साइन किया है ये 1200 मेगावाट न्यूक्लियर प्लांट कंस्ट्रक्शन के लिए किया गया है। दिस इज द फिफ्थ रिएक्टर एट द चश्मा न्यूक्लियर कॉम्प्लेक्स C5। चश्मा न्यूक्लियर कॉम्प्लेक्स में फिफ्थ रिएक्टर यहां पर लगाया गया है, और इसको C5 के नाम से हम जानते हैं। C5 विल बी द बिगेस्ट रिएक्टर एट चश्मा वेयर चाइना हैज ऑलरेडी कंस्ट्रक्टेड 4 phases ऑफ द कॉम्प्लेक्स विद 4 reactors ऑफ अराउंड 325 मेगावाट ईच। चाइना ने जो यहाँ पर ये रिएक्टर लगाने का प्लानिंग किया है, इससे पहले भी ये 4 reactor यहाँ पर लगा चुका है, और हर रिएक्टर की जो कैपेसिटी है वो 325 मेगावाट की है। इट विल यूज चाइना वा लॉन्ग 1 reactor विच हैज ऑल्सो बीन इंस्टॉल्ड इन 2 plants इन कराची। कराची में यहाँ पर जो
चाइना ने अपने कुछ रिएक्टर लगाए हुए हैं, और ये जो चश्मा के अंदर जो रिएक्टर इंस्टॉल किया जाएगा ये कराची के रिएक्टर का यूज करेगा। इसमें इट मीन्स जो रॉ मटेरियल वगैरह इसको नीड होगी या अदर मशीनरी जो हेल्प के लिए इसको चाहिए वो कराची के रिएक्टर से यूज कर सकते हैं। हाउ मेनी अदर न्यूक्लियर प्लांट्स हैड चाइना बिल्ट फॉर पाकिस्तान? चाइना ने पाकिस्तान के लिए और भी कितने प्लांट न्यूक्लियर प्लांट इस्टेब्लिश किए हैं इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। पाकिस्तान इज करंटली ऑपरेटिंग 6 चाइना बिल्ट न्यूक्लियर प्लांट। अभी तक चाइना ने लगभग 6 न्यूक्लियर प्लांट बनाए हैं जिनको पाकिस्तान यूज कर रहा है। 4 स्मॉलर रिएक्टर एट द चश्मा कॉम्प्लेक्स। चश्मा कॉम्प्लेक्स में जहाँ पर 4 ये छोटे छोटे यहाँ पर रिएक्टर बनाए गए हैं, एंड 2 एट द कराची न्यूक्लियर पावर प्लांट, जिसमें 2 कराची न्यूक्लियर पावर प्लांट के नाम से जाने जाते हैं। KANUPP इट मीन्स कराची, KA मीन्स कराची, NU मीन्स न्यूक्लियर, PP पावर प्लांट। पाकिस्तान्स ओल्डेस्ट रिएक्टर द कनाडा बिल्ड KANUPP 1 इज नॉट डी कमीशन, वायर KANUPP 2 एंड KANUPP 3 बोथ यूज 1100 मेगावाट। पाकिस्तान का जो सबसे ओल्डेस्ट रिएक्टर जो कनाडा बिल्ड है उसको अभी कुछ दिन पहले डी कमीशन कर दिया गया है, लेकिन कुछ अभी भी रिएक्टर हैं वो अभी भी वर्क कर रहे हैं, जिससे कराची न्यूक्लियर पावर प्लांट 2, पावर प्लांट 3 जिनका कैपेसिटी 1100 मेगावाट है। हाउ चाइना पाक न्यूक्लियर डील फ्लॉट ग्लोबल रूल? अभी जो चाइना पाक न्यूक्लियर डीलिंग हुआ है किस तरह से ग्लोबल रूल का वायलेशन करते हैं, इससे रिलेटेड कुछ हम हाईलाइट्स यहाँ पर देखेंगे। चाइना सिविलियन न्यूक्लियर प्रोजेक्ट विद पाकिस्तान हैव कम अंडर स्क्रूटनी बिकॉज द न्यूक्लियर सप्लायर्स ग्रुप NSG विच डिस्क्राइब इटसेल्फ एज ए ग्रुप ऑफ न्यूक्लियर सप्लायर कंट्री दैट सीक टू कंट्रीब्यूट टू द नॉन प्रोलिफिकेशन ऑफ न्यूक्लियर वेपन्स थ्रू द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ 2 सेट्स ऑफ गाइडलाइंस फॉर न्यूक्लियर एक्सपर्ट एंड न्यूक्लियर रिलेटेड एक्सपर्ट एक्सप्लिसिटली प्रोहिबिट द ट्रांसफर ऑफ न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी बाय इट्स मेंबर्स टू कंट्रीज दैट हैव नॉट साइंड द न्यूक्लियर नॉन प्रोलीफ्रेशन ट्रीटी। यहाँ पर ये देखा गया जाएगा यहाँ पे कि चाइना ने पाकिस्तान के अंदर ये जो डीलिंग किया है इस डीलिंग के लिए NSG ग्रुप की कुछ परमिशंस चाहिए, उसकी विदाउट परमिशंस के किसी भी कंट्री में न्यूक्लियर का कॉमर्शलाइजेशन नहीं किया जा सकता है और इसका मिसयूज नहीं किया जा सकता, जबकि कुछ और इसमें उसी कंट्री को न्यूक्लियर से रिलेटेड कॉमर्शलाइजेशन किया सकता है जो NSG का मेंबर है और जिसने ट्रीटी साइन किया हुआ है, न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफेशन ट्रीटी जिसने साइन किया हुआ है या इसका जो मेंबर है उसी मेंबर को ये सेल किया जा सकता है। जबकि पाकिस्तान इसमें ये जो जितना भी गाइडलाइंस है इसमें फिट नहीं बैठता है, तो यहाँ पर क्वेश्चन ही किया जा रहा है कि चाइना ने हमें पाकिस्तान को जिस तरह से न्यूक्लियर पावर प्लांट देने का वर्क किया, क्या ये सही है क्या ये गलत है, तो ये डिस्कशन यहाँ पर किया जा रहा है। चाइनीज एनालिस्ट हैव नाउ जस्टिफाइड द कंटिन्यू न्यूक्लियर कॉमर्स डिस्पाइट बीजिंग्स NSG कमिटमेंट बाय पॉइंटिंग द इंडिया US न्यूक्लियर डील। चाइना के कुछ एनालिस्ट ये कह रहे हैं, वो अपने आप को जस्टिफाई करने की कुछ कोशिश कर रहे हैं, पाकिस्तान में उन्होंने जिस तरह से न्यूक्लियर प्लांट इस्टेब्लिश करने के लिए डीलिंग किया है उसका कई कंट्री से विरोध भी किया जा रहा है, और ये जस्टिफाई ये दे रहे हैं कि इंडिया और US के बीच में भी जो न्यूक्लियर डीलिंग है वो उसी तरह से जिस तरह से हम कर रहे हैं, लेकिन इंडिया का केस थोड़ा अलग हो जाता है। देर आर हाउएवर सिग्निफिकेंट डिफरेंस फॉर वन, इंडिया एंड द US हैड टू सीक अ वेवर फ्रॉम द NSG फॉर दियर सिविलियन न्यूक्लियर डील। इंडिया ने वेवर प्राप्त फाइंड किया हुआ NSG से, वेवर मीन्स इन्हें कुछ छूट मिल सकती है, यानी हमारे कंट्री को कुछ छूट मिली हुई है, विच वॉज ग्रांटेड इन 2008 में इंडिया ने कुछ वेवर लिया था NSG से, और इस तरह से इंडिया भी ग्लोबल न्यूक्लियर कॉमर्स का पार्ट बन सका, जबकि पाकिस्तान ने कुछ इस तरह का कोई भी विवर नहीं लिया हुआ है।
दैट वॉज हाउ आर ओनली ग्रांटेड आफ्टर इंडिया अंडर टू अ नंबर ऑफ कमिटमेंट सच एज प्लेसिंग फैसिलिटी अंडर द इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी सेफ गार्ड सेपरेटिंग सिविलियन एंड मिलिट्री न्यूक्लियर प्रोग्राम एंड अ कंटिन्यूड मॉरेटोरियम ऑन टेस्टिंग। इंडिया को जो वेव छूट मिला हुआ है कुछ एक्टिविटी करने के लिए, वो इसलिए मिला हुआ है क्योंकि इंडिया ने बहुत सारे कमिटमेंट किए हुए हैं। इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी के साथ कमिटमेंट किया हुआ है, सेफगार्ड्स की गारंटी दी हुई है, सिविलियन एंड मिलिट्री न्यूक्लियर प्रोग्राम को सेपरेट किया हुआ है और टेस्टिंग को भी लिमिटेड किया हुआ है। नाइदर हैज चाइना सॉट एनी सच वेवर फ्रॉम द एनएसजी नॉर हैज पाकिस्तान अंडरटेकन सिमिलर कमिटमेंट। पाकिस्तान और अमेरिका दोनों में से ही किसी ने भी एनएसजी से ये न्यूक्लियर पावर प्लांट इस्टेब्लिश करने के लिए किसी भी तरह का वेवर शॉर्ट नहीं किया है। एडमिन्स किसी भी तरह की छूट इन्होंने नहीं मांगी है। द नेक्स्ट इम्पोर्टेंट एडिटोरियल न्यूज इज व्हाई इज यूएस इंडिया फाइटर जेट डील इम्पोर्टेंट। अभी इंडिया और अमेरिका के बीच में फाइटर जेट डील हुआ है और ये क्यों इम्पोर्टेंट है, लेट्स डिस्कस सम इम्पोर्टेंट हाईलाइट्स रिलेटेड टू दिस एडिटोरियल न्यूज। इंडिया एंड द यूएस हैव अनाउंस्ड अ स्लू ऑफ डील इन डिफेंस कॉपरेशन स्पेस टेक्नोलॉजी एआई एंड अदर एरियाज। अभी करंटली इंडिया और अमेरिका के बीच में एक डील हुआ है जिसमें डिफेंस कॉपरेशन से रिलेटेड है डील और स्पेस टेक्नोलॉजी से रिलेटेड भी डील की गई है और साथ में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और अदर कुछ डील भी किए गए हैं इंडिया और अमेरिका के बीच में। द यू एस इंडिया जॉइंट स्टेटमेंट मेंशंस द लैंडमार्क साइनिंग ऑफ अ मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग बिटवीन जनरल इलेक्ट्रिक एंड हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड हॉल फॉर द मैनुफैक्चर ऑफ GE F414 जेट इंजन्स इन इंडिया फॉर द लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट MK2। इंडिया और अमेरिका के बीच में एक MOU साइन किया गया है और ये मैंने MOU साइन किया गया है ये वहाँ की कंपनी जनरल इलेक्ट्रिक और इंडिया की कंपनी हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड यानी हॉल के बीच में ये एक साइन किया गया है और ये जो साइन किया गया वो इसलिए किया गया है ताकि GE यानी जनरल इलेक्ट्रिक F414 जेट इंजन को मैन्युफैक्चर किया जा सके इंडिया में। अब इस इंजन का यूज कहाँ किया जाएगा, इस इंजन का यूज लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट MK2 के अंदर किया जाएगा। इट मीन्स LCA MK2 को पावरफुल बनाने के लिए यहाँ पर GE F414 जेट इंजन का यूज किया सकता है। अभी तक इन इंजन्स को हम अदर कंट्रीज से मंगाते थे लेकिन यहाँ पर इस डीलिंग के अंदर ये है कि इन इंजन्स का मैन्युफैक्चरिंग अब इंडिया के अंदर ही होगा अमेरिका की टेक्नोलॉजी का यूज करके। व्हाई दिस डील इज सिग्निफिकेंट, ये जो डील है ये इंडिया के लिए क्या सिग्निफिकेंट रखता है, इट मीन्स इस डील का क्या इंपॉर्टेंस है। इफ द डील गोज थ्रू इट विल मीन ट्रांसफर ऑफ ऑलमोस्ट द एंटायर इंजन टेक्नोलॉजी कंपेयर टू द इंजन डेवलपमेंट एग्रीमेंट वर्क डाउन 2012 बिटवीन GE एंड हॉल फॉर द F414 इंजन विद 58% टेक्नोलॉजी ट्रांसफर। अगर ये डील सक्सेस हो जाता है इसका मीनिंग ये होगा कि इंडिया के अंदर इंजन टेक्नोलॉजी के अंदर एक बूस्ट आएगा, इट मीन्स एक बेटर टेक्नोलॉजी का यूज करके हम इंजन्स बना सकते हैं क्योंकि इंजन ही फाइटर जेट का पावर होती है। और 2012 में GE और हॉल के बीच में जो एग्रीमेंट हुआ था इंजन डेवलपमेंट एग्रीमेंट जिसमें 58% टेक्नोलॉजी का एक ट्रांसफ़र किया जाना था अमेरिका की तरफ से, तो उसकी जगह पर अब इसको इंक्रीमेंट किया जा रहा है। दिस हेराल्ड अ मेजर हाई टेक्नोलॉजी कॉपरेशन बिटवीन द ओल्डेस्ट एंड लार्जर डेमोक्रेसी विच द US हैज शेयर्ड विद ओनली इट्स क्लोजेस्ट एलीज। ये जो डील हो रहा है इंडिया और USA के बीच में ये एक मेजर हाई टेक्नोलॉजी कॉपरेशन है यानी ओल्डेस्ट एंड लार्जर डेमोक्रेसी। ओल्डेस्ट डेमोक्रेसी इट मीन्स USA एंड लार्जेस्ट डेमोक्रेसी इट मीन्स इंडिया। इंडिया और USA के बीच में ये मेजर हाई टेक्नोलॉजी कॉपरेशन है और ये जो कॉपरेशन के तौर पे जो अमेरिका इसको शेयर कर रहा है टेक्नोलॉजी को ये उन्हीं कंट्री को करता है जो इसके क्लोजेस्ट एलीज हैं।
While the most critical technology of the engine will be off limit, Indian industry, both public and private, will get a chance to upgrade their capacities and skills, and significant sourcing as well as manufacturing will be done in the country with the technologies that GE has agreed to transfer. Most critical technologies of the engine, engine की जो technology होती है बहुत ही critical होती है, इसको limit off किया जाएगा, limit on नहीं limit off किया जाएगा, और इंडियन इंडस्ट्री चाहे वो प्राइवेट है या पब्लिक है, वो अपने अपने हिसाब से इंजन को अपग्रेड कर सकते हैं, स्किल उनके अंदर डेवलप करने के लिए कोशिश की जाएगी, जो हमारे इंडियंस लोग हैं नई टेक्नोलॉजी वो उन्हें सीखने का मौका मिलेगा, इससे हमारे कंट्री को बहुत ज़्यादा प्रॉफिट होगा। वेयर विल द जीई इंजन्स बी फिटेड, अभी ये जो जीई इंजन्स की हम बात कर रहे हैं आखिर इनको कहाँ पर फिट किया जाएगा। The F414 engines will give power the indigenous LCA light combat aircraft MK2, a large and more capable variant of the LCA currently in service. F414 ये एक इंजन का नाम है जिसको अमेरिका की हेल्प से इंडिया में मैन्युफैक्चर किया जाएगा, और ये जो इंजन है इसको LCA MK2 इट मीन्स लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट MK2 के अंदर फिट किया जाएगा, और ये अभी हमारे कंट्री के अंदर सर्विस में है, और इनका जो इंजन है उसको पावरफुल बनाया जाएगा। द F414 इज फ्रॉम द फैमिली ऑफ F404 इंजन दैट पावर द करंट LCA MK1 एंड ऑल्सो द LCA MK1 दैट द इंडियन एयरफोर्स विल स्टार्ट रिसीविंग अर्ली 24 ऑनवर्ड। MK414 जो इंजन है ये F404 इंजन का ही फैमिली है एक तरीके से, उसको अपग्रेड किया गया है और ये पावर देगा एक तरीके से LCA MK1 को भी और LCA MK1A को भी पावर देगा। एंड F414 इंजन प्रोड्यूस 98K न्यूटन थ्रस्ट कंपेयर टू 84K न्यूटन थ्रस्ट बाय द 404 इंजन। F414 इंजन की जो पावर थी वो 84K न्यूटन थी, जबकि F414 इंजन की जो पावर है वो 98 तक पहुंच जाती है। व्हाट द स्टेटस ऑफ इंडिजिनस टैग डेवलपमेंट, व्हाट इज कावेरी प्रोजेक्ट। इंडिजिनस टैग डेवलपमेंट यानी कोई भी कंट्री जो अपने कंट्री के अंदर इनोवेशन करता है, कोई न्यू टेक्नोलॉजी जनरेट करता है, उसका स्टेटस क्या होता है, और इंडिया के अंदर कावेरी प्रोजेक्ट जो था वो क्या है, इससे रिलेटेड हम बात करेंगे। जेट इंजन टेक्नोलॉजी इज द प्रोप्राइटरी राइट ऑफ वेरी फ्यू कंट्रीज, जेट इंजन टेक्नोलॉजी जो है वो कुछ ही कंट्रीज का प्रोप्राइटरी राइट है, एंड इज अ क्लोजली गार्डेड सीक्रेट ड्यू टू इट्स एक्सट्रीम क्रिटिकली इन मॉडर्न वॉरफेयर, क्योंकि मॉडर्न जो टाइम है वो वॉरफेयर का टाइम है, और इस टाइम में एक्सट्रीमली क्रिटिकल सीक्रेट होता है हर इंजन के अंदर, तो हर कंट्री जिसके पास अपनी टेक्नोलॉजी होती है उस पर उसका प्रोप्राइटरी राइट होता है। इंडिया मेड अनसक्सेसफुल अटेम्प्ट इन द पास्ट टू डेवलप एन इंजन लोकली अंडर द नाउ सेव्ड कावेरी प्रोजेक्ट। ये कावेरी प्रोजेक्ट इंडिया का एक प्रोजेक्ट था जिसके अंदर इंजन वगैरह बनाने का प्रोविजन था, उसको डेवलप करने का प्रोविजन था, लेकिन ये अनसक्सेसफुल रहा। द कावेरी प्रोजेक्ट वॉज सेंक्शन बाय द कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी इन 1998। कावेरी प्रोजेक्ट सेंक्शन जो किया गया था वो कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी के द्वारा 1989 में इसको सेंक्शन किया गया था, एंड ओवर द कोर्स ऑफ 30 ईयर्स बिफोर इट वॉज शट डाउन इट एंटेल एन एक्सपेंडिचर ऑफ 2035 करोड़ विच लीड टू द डेवलपमेंट ऑफ 9 फुल प्रोटोटाइप इंजन एंड 4 कोर इंजन्स। 30 ईयर के बाद इसको रन ऑफ कर दिया गया, इसको बंद कर दिया गया कावेरी प्रोजेक्ट को, और ये पूरा जो इसका जो बजट रहा वो 2035 करोड़ रुपए के आसपास रहा है। इसने 9 फुल प्रोटोटाइप इंजन बनाए और 4 कोर इंजन का भी इसने डेवलप किया। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज इज मॉस्किटो सर्विलेंस इन नॉन रेसिडेंशियल एरियाज नीडेड। इसमें हम देखेंगे कि जितना भी अर्बन एरिया में जो नॉन रेसिडेंशियल एरिया जैसे पार्क वगैरह हुआ या कोई भी खाली प्लेस अगर है वहाँ पर भी मॉस्किटो सर्विलेंस की बहुत ज़्यादा नीड है, इससे रिलेटेड हम हाईलाइट्स देखेंगे। वाई न्यूज और लॉन्गिट्यूडनल स्टडी
conducted between February 21 and June 22 in Bangalore city has found how urbanization affects mosquito ecology and how mosquito species diversity and abundance changes across macro and micro habitat. ये एक स्टडी किया गया और ये स्टडी जो किया गया वो बेंगलुरु सिटी को बेस मान कर किया गया. स्टडी का टाइम पीरियड फरवरी 2021 से लेकर जून 22 तक ये टाइम पीरियड है. इस स्टडी में देखा गया कि किस तरह से अर्बनाइजेशन जो है वो मॉस्क्यूटो इकोलॉजी को इफेक्ट करता है और किस तरह से मॉस्क्यूटो स्पीसीज के डाइवर्सिटी को इफेक्ट करता है, अबंडेंस चेंज किस तरह से होता है माइक्रो और माइक्रो हैबिटेट में, इसका जो नंबर है किस तरह से बढ़ता है और किस तरह से घटता है, इससे रिलेटेड यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे. की पॉइंट्स ऑफ द स्टडी, ये जो स्टडी है इसके हम कुछ की पॉइंट देख लेते हैं. द स्टडी फाउंड दैट द क्वालिटी ऑफ ब्रीडिंग साइट्स डिटरमाइन द अबंडेंस एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द मॉस्किटो स्पीसीज स्पेसिफिकली द वंस दैट कॉज डेंगू. स्टडी में ये फाइंड किया गया है कि ब्रीडिंग का जो क्वालिटी है, इट मीन जो साइट है जहाँ पर ब्रीडिंग कर रहे हैं मॉस्किटो, ये डिटरमाइन करता है कि उस प्लेस पर मॉस्किटो ब्रीडिंग का अबंडेंस क्या होगा, यानी उनके जो बेबी होंगे मॉस्किटो का अबंडेंस क्या होगा, मॉस्किटो स्पीसीज का डिस्ट्रीब्यूशन क्या होगा और भी कई सारे इफेक्ट हैं जो इसके द्वारा हम फाइंड कर सकते हैं. जैसे कि अगर यहाँ पर कुछ चीज़ें दी जाएंगी जहाँ पर जो टायर वगैरह है या कोई ओल्ड कुछ चीज़ें हम बाहर फेंक देते हैं, बारिश होता है उसके ऊपर वाटर कलेक्ट हो जाता है, ठीक है ना, तो वहाँ पर मॉस्किटो की संख्या बहुत ज़्यादा होती है. वाटर कंटेनर, अब यहाँ पर वो चीज़ें डिस्कस की जाएंगी जैसे वाटर कंटेनर है, डिस्कार्डेड ग्राइंडिंग स्टोन है, टायर्स हैं, प्लास्टिक कंटेनर है, ये सब चीज़ें हैं जो लार्वा के हैबिटेट को इंक्रीज करते हैं, उसके लिए सूटेबल कंडीशन प्रोवाइड कराते हैं. द वे मॉस्किटो इंटरेक्ट विद लार्वा हैबिटेट डिफरेंट माइक्रो हैबिटेट डिड प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन डिटरमाइनिंग मॉस्किटो डाइवर्सिटी एंड अबंडेंस. मॉस्किटो डाइवर्सिटी एंड अबंडेंस को डिटरमाइन करने के लिए बहुत सारी चीज़ें हैं, ठीक है, जो हमने डिस्कस की हैं. मॉस्किटो स्पीसी डाइवर्सिटी अबंडेंस, तो इसमें कुछ ये मॉस्किटो से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट जो स्टडी थी उसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं. ब्रीडिंग साइट क्वालिटी डिटरमाइन द अबंडेंस एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मॉस्किटो स्पीसीज दैट कॉल डेंगू. यहाँ पर पहला पॉइंट ये है कि ब्रीडिंग साइट की जो क्वालिटी है वो डिटरमाइन करता है कि मॉस्किटो की स्पीसीज का डिस्ट्रीब्यूशन क्या रहेगा, उसका अबंडेंस क्या रहेगा और इस वजह से डेंगू फैल जाता है कई बार. वाइल प्लांटेशन हैज हाई मॉस्किटो स्पीसी डाइवर्सिटी एंड रिचनेस इवन बैरन लैंड हैड माइक्रो हैबिटेट्स कंड्यूसिव फॉर ब्रीडिंग. यहाँ पर कुछ कंड्यूसिव हैबिटेट बताया गया है ब्रीडिंग के लिए. प्लांटेशन इलाका जो होता है और बैरन लैंड जो होता है वहाँ पर भी ब्रीडिंग का कंड्यूसिव इन्वायरमेंट इन्हें मिल जाता है. मैन मेड आर्टिफिशियल कंटेनर अकाउंटेड फॉर ओवर 90% ऑफ मॉस्किटो लार्वा हैबिटेट. मैनमेड कंटेनर जितने भी होते हैं जैसे प्लास्टिक के बनी हुई चीज़ें हैं, टायर वगैरह है, ये सारी चीज़ें यहाँ पर बताया गया है कि 90% मॉस्किटो लार्वा हैबिटेट के लिए रिस्पॉन्सिबल है. वाटर शॉर्ट स्टोरेज कंटेनर वर द मोस्ट कॉमन बट एफेमेबरल ब्रीडिंग हैबिटेट फॉर ए इजिप्टी. इट मीन्स यहाँ पर वाटर कंटेनर जितने भी हैं, वाटर स्टोरेज हम जिन जिन चीज़ों में करते हैं वो भी कहीं ना कहीं इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है मॉस्किटो की ब्रीडिंग को इंक्रीज करने के लिए. द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज इज टुंड्रा डाइवर्सिटी डिक्लाइन सीन विद सी आइस डिसअपीयरेंस. इसमें हम डिस्कस करेंगे कि टुंड्रा डाइवर्सिटी किस तरह से डिक्लाइन हो रही है. सो लेट्स डिस्कस सम इंपॉर्टेंट हाइलाइट्स. व्हाट इज टुंड्रा इकोसिस्टम, पहले हम देखेंगे टुंड्रा इकोसिस्टम होता क्या है. टुंड्रा इकोसिस्टम आर ट्रीलेज रीजन फाउंड इन द आर्कटिक एंड ऑन द टॉप ऑफ माउंटेन वेयर द क्लाइमेट इज कोल्ड एंड विंडी एंड रेनफॉल इज स्कैंट. टुंड्रा इकोसिस्टम एक ऐसा इकोसिस्टम होता है जहाँ पर ट्री नहीं होता है और ये आर्कटिक या फिर माउंटेन के टॉप रीजन में मिलता है. यहाँ पर क्लाइमेट जो होता है कोल्ड होता है, विंडी होता है और रेनफॉल बहुत कम होता है. इस तरह का जो इलाका होता है उसको हम टुंड्रा इकोसिस्टम कह सकते हैं. टुंड्रा लैंड आर कवर्ड विद स्नो फॉर मच ऑफ द ईयर बट समर ब्रिंग्स बस्ट ऑफ
विंड फ्लोवर्स। टुंड्रा लैंड जो होता है वो स्नो से पूरा ईयर कवर रहता है, लेकिन समर में कभी कभी क्या होता है, विंड फ्लोवर्स यहाँ पर बस्ट होते हैं। की पॉइंट्स ऑफ द स्टडी, ये जो है स्टडी किया गया है कि टुंड्रा इकोसिस्टम किस तरह से डैमेज हो रहा है, उस स्टडी का कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। टुंड्रा डाइवर्सिटी इंक्लूडिंग प्लांट लाइकेन एंड फंगाई डिक्लाइन ओवर अ 15 ईयर एक्सपेरिमेंट इन आर्कटिक ड्यू टू वार्मिंग टेम्परेचर मीडिएटेड बाय द डिसअपेयरेंस ऑफ सी आइस। टुंड्रा डाइवर्सिटी जिसमें प्लांट लाइकेन और फंगाई, 15 ईयर का एक एक्सपेरिमेंट किया गया आर्कटिक में, वहाँ पर यह देखा गया है कि टुंड्रा डाइवर्सिटी डिक्लाइन हुआ है। हाउएवर द प्रेजेंस ऑफ लार्ज हर्बीवोर सच एज कार्ब्यू एंड मस्क ऑक्सन स्लो दिस डिक्लाइन। लेकिन यहाँ पर कुछ हर्बीवोर्स हैं टुंड्रा या पर आर्कटिक में, कुछ हर्बीवोर्स हैं, ऐसा देखा गया है कि इस हर्बीवोर्स की वजह से ये जो प्रोसेस है डिक्लाइन होने का, इस डाइवर्सिटी टुंड्रा डाइवर्सिटी डिक्लाइन होने का जो प्रोसेस है ये थोड़ा कम हुआ है। द फाइंडिंग ऑफर सपोर्ट फॉर द आइडिया दैट एनकरेजिंग हर्बीवोर्स डाइवर्सिटी इन टुंड्रा कुड टेम्पर सम ऑफ द इम्पैक्ट ऑफ क्लाइमेट वार्मिंग। ये फाइंडिंग यहाँ पर देखा जा रहा है कि अगर क्लाइमेट वार्मिंग के इम्पैक्ट को टुंड्रा रीजन में कम करना है तो हर्बीवोर डाइवर्सिटी को यहाँ पर इंक्रीज करना होगा। इट मीन्स यहाँ पर प्लांट वगैरह, कुछ ऐसे प्लांट यहाँ पर हमें ग्रो करने होंगे जो ग्रो हो सकते हैं इस इलाके में, सभी प्लांट तो ग्रो नहीं हो सकते। अगर ऐसा किया जाए तो क्लाइमेट वार्मिंग जो हो रहा है इसका जो नेगेटिव इम्पैक्ट टुंड्रा इकोसिस्टम पर पड़ने वाला है उसको रोका जा सकता है। इस स्टडी का जो फाइंडिंग था वो यही था। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।